तो इससे पहले की वीडियो में हमने ये देखा था कि CSS क्या होती है और इसे कैसे लिखा जाता है, मतलब इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि CSS को HTML के साथ कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। CSS को इम्प्लीमेंट करने के तीन तरीके हैं। जो फर्स्ट है मेथड, वो है इनलाइन CSS, ठीक है। और जो दूसरी है वो है इन पेज CSS। तीसरी जो है वो है एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल CSS। तो आज की वीडियो में हम इनलाइन CSS को कवर करेंगे। इनलाइन CSS का अर्थ होता है कि हम लाइन के अंदर CSS का यूज करेंगे। लाइन के अंदर CSS का यूज करने का मतलब HTML का कोई पेज है, उसके अंदर कोई एक टैग है, तो हम उस टैग के अंदर CSS का यूज करेंगे, उसे हम बोल देते हैं इनलाइन स्टाइल या इनलाइन CSS, ठीक है। प्रैक्टिकली इसे देखते हैं कैसे। मैंने कोई फाइल सेव करी है inline.html, तो मैं एक HTML का पेज चला लिया। देखिए इसको हटा देते हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। और टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट हटा के आज हम इनलाइन टैग सीख रहे हैं, तो इनलाइन CSS सीख रहे हैं, तो इनलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। बॉडी के अंदर कोई HTML का टैग, जैसे मैंने हेडिंग का लिख लिया H1, ये आप सभी जानते हैं HTML का टैग है H1, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ गौरी टेक्निकल, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए है ये, बस गौरी टेक्निकल। और यहाँ पे अब आप देखते हैं कि CSS कैसे यूज होगी। पहले तो इसे सेव करके बिना CSS के हम देख लेते हैं, रन कराते हैं। आप देखिए ब्लैक कलर की एक हेडिंग आ गई गौरी टेक्निकल। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं, तो उसके लिए CSS यूज करेंगे इनलाइन CSS। हम इस लाइन के अंदर CSS का यूज करेंगे, तो उसके लिए मैंने स्पेस दिया, उसके बाद लिखा स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है स्टाइल। आप देख रहे होंगे अभी क्या है स्टाइल एट्रीब्यूट, तो फिर एंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखनी है। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था इसके सिलेक्टर को कैसे लिखते हैं, इसके सिंटैक्स को कैसे लिखते हैं, तो वही तरीका है। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी मैंने कलर, ठीक है, ये आ गया है। और यहाँ पे मैंने कर दिया रेड, कलर रेड चूज कर दिया, सेव किया। उसके बाद से रन कराते हैं, देखिए ये देखिए CSS की प्रॉपर्टी लगने से इसका कलर चेंज हो गया। आप कलर और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने रेड लिया था तो ग्रीन कर लेते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए, तो ऐसे हम इनलाइन CSS का यूज करेंगे। स्पेस दिया, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा, उसके अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू। एट्रीब्यूट आप देख रहे होंगे, ये एट्रीब्यूट है, ये प्रॉपर्टी कलर प्रॉपर्टी और ग्रीन उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इनलाइन CSS को ऐसे लिखा जाता है। इनलाइन CSS की जो डिसएडवांटेज है कि हम इसे बड़े पेज में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े पेज में आप पर्टिकुलर लाइन पे जाके CSS लिखना टफ पड़ जाता है। तो इसके लिए इन पेज CSS बनाई गई है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।